नहीं नहीं सो बनाया मेरे को कहाँ भगाओगे, इसलिए कुत्ता को भगाने मेरे को नहीं भागता है। इसलिए अभी कुत्ता बन कर के आया। नारद जी बोले भैया अभी तो भजन कर कुत्ता बन गया। बोले गुरु जी क्या बताऊं, ये बच्चा इतना नाला है, ये जितनी जमीनी जागा तो देख रहे हो ना, मैंने कष्ट कर कमाया, इसको क्या पता है, रात को सो जाता है, कोई होश आवाज रहता नहीं, और रात भर भोग हो करते करते मैं पहरा देने देता। बोले हे भगवान कितने आसक्ति देखो। बोले कब जाओगे, बोले बच्चा थोड़ी सी होनहारा बन जाए, कुछ दिन बाद में आकर से कुत्ता भी मर जाता है। अरे ये गया कहा, ध्यान लगाया, देखा घर में बैल बन करके आया है, वो खेती कराता है, उसको बेटा उसको खेती कराता है। बोले बेटा अभी तो चल वैकुंठ। बोले गुरु जी ये तो कोई जितने जमीनी जगह थे ना सब देख रहे हो, मैंने कमाया। ये बच्चा क्या करता है, खेती को छोड़ देता है आधा करके, उसको क्या पता मैंने कितना कष्ट करके मैंने पैसा कमा कर खेती की, इसलिए उसको जोर जबरदस्ती लेकर मेरे को खेती करवाना पड़ता है। बोले हे भगवान कितने आसक्ति देखो। बोले कब चलोगे, बोले बच्चा थोड़ी सी समझदार बन जाए, कुछ दिन बाद में आकर देखता बच्चा मर जाता है, बैल भी मर जाता है। बोले ये गया कहा, आपको पता होगा पहले पहले कलसी में सोने चांदी रख करके ना मिट्टी को नीचे गाड़ देते थे, और उसने गाड़ा था, कहाँ गाड़ा था उसको ही याद है, वो बोला नहीं बच्चों को, उसको ऊपर में एक जहरीले सर्प बनकर बैठा हुआ, किसी को भी फटकने नहीं देता है। उसने देखा जब तक ठंडा नहीं पड़ेगा ना ठंडा नहीं होगा, उसको पीछे मैंने 3 जन्म तक घूम लिया है, अभी भी सर्प बैल कुत्ता बनकर आ रहे हैं। उसको बच्चे को बुलाया, देख तेरे पिताजी एक कलसी में कुछ सोने चांदी को बगीचा में गाड़ कर गए, लेकिन जाते समय बोले ही नहीं, उसको ऊपर में एक जहरीले सर्प बैठा हुआ डंडा लेकर गया, लेकिन उसको मारना नहीं, उसको कमर तोड़ देना, सांप का कमर तोड़ दो फिर भाग नहीं पाता है। वो बड़ा खुश होकर डंडा लाया और अपना पिता को मारा, अपना पिता को डंडे से। अब कमर जब टूट गया ना, अब इसको फेंक दो, अब इसको खो दो, खुदा तो सचमुच से कल से निकला। अब सांप आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा था, इतने दिन की कमाई बचा ले जा रहा है, इतने दिन का कमाई बचा ले जा रहा है। इतने में नारद जी बोले क्यों कैलाश अभी तो भजन करोगे। बोले गुरु जी अभी भजन करूंगा, इसको पीछे मैंने 3 जन्म भटक गया, ये तो खुद सुधरा नहीं, मैं ही बदल गया, लेकिन ये स्वयं ये सुधरा नहीं है। तब श्री नारद जी उसको पर मंत्र पुत करके पानी छिड़काव कराते हैं, अगले जीवन में फिर इंसान बन करके आया। नारद जी उसको मंत्र दिए, बड़ी कष्ट से वैकुंठ लेकर गए। भगवान ने कहा क्यों नारद जी, कितने व्यक्ति को पकड़ करके लाए हो। बोले गुरु जी ठाकुर जी सही कह रहे, यहाँ से एक जीव भी संसार छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। जितने ज्यादा उम्र होगा ना, जितना उतना ही नाती पोती बेटा बेटी में उतना ही आसक्ति। फिर क्या होगा, फिर कोई सांप बिच्छू और बैल बनकर के भटकते रहे संसार में। देखो आप लोग बोलोगे ऐसा झूठ बात है, कल मेरे मैं आपको एक चीज ला कर दिखाऊंगा। मैंने कहीं कथा करने के लिए गया था झाड़ग्राम में, विद्यार्थी सुनो, मैंने जब ये कथा सुनाई ना, एक व्यक्ति एक न्यूज़ पेपर ला कर मुझे दिखाया, आप कल दिखाऊंगा आप लोग देखना। एक समय कोई एक भित्ति घर की भित्ति खनन कर रहे थे, फावड़ा से खोदते खोदते झन करके आवाज हुई। बोले भैया आवाज कहाँ से हुई, खोदा तो वहां दोनों कलसी निकला पीतल की, और उसमें सोने चांदी उसी में मोहर है, और दो जहरीले सर्प उसको लपट करके बैठे हुए किसी तरह से छोड़ने के लिए तैयार। इतने में पुलिस में खबर हो गई, पुलिस आ गया, ऐसे कलसी निकला, दोनों को जब्त कर लिया कलसी को, और जो सापरे सपेरे होते हैं ना उनको बुला करके तो दोनों सांप को उन्होंने बोरी में भर दिया, और उसको 3 किलोमीटर दूर में जाकर के छोड़ करके आए। देखा आधा घंटा में फिर वही दोनों सांप फोन कर, किसी तरह से वो सांप उन कलसी को छोड़ना नहीं चाहते। ये आसक्ति इतने जोर जबरदस्ती, समझ रहे हो, संसार में ज्यादा आसक्ति मत करो, फिर तो उल्टा उल्टा जन्म भटकते रहोगे। हाँ देखो एक चीज समझो, श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये चीज को दिमाग में बैठा लोगे ना, कहते संसार तुम्हारी आसक्ति का कारण नहीं बनाएगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, बोले जे दीन गृह है भजन देखी, गृह देखो लग भाया, जे दीन गृह है भजन देखी, गृह देखो लग भाया।
संसार में रहोगे, सब कुछ काम करोगे, लेकिन संसार में फंसोगे नहीं। देखो अच्छे तरह से सुनो, ये भक्तिमान ठाकुर कहते हैं, बोले संसार करो, बोले किसकी संसार, बोले कृष्ण के संसार। ये संसार भगवान के संसार होनी चाहिए। हर बच्चों को, हर पिता माता को भक्ति करनी चाहिए। सभी के गले में तुलसी की कंठी हो, सभी तिलक लगाए, घर में जो कुछ खाना बने ठाकुर जी को भोग लगे, जो कुछ नौकरी करते हो ठाकुर जी की नौकरी मान करके करो, ठाकुर जी की सेवा मान करके करो, जो कुछ खाना बनाओ क्या समझो ठाकुर का प्रसाद लगा रहे हैं, घर में झाड़ू दो, घर को क्या समझो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं, प्रभु कब तक ये माया है? बोले जब तक ये चीज आपका नहीं मान लेते तब तक माया है। जब हर चीज को आपके साथ में जोड़ देते ना, वो माया नहीं, वो तो भगवान की भक्ति है, भगवान की प्रेम है, ठीक है ना। जैसे देखना, जब कोई व्यक्ति मरता है ना, चारों तरफ में लोग घिरे हुए रहते हैं। बेटी कहती है, पिताजी मेरे को पहचान ही रहे हो, मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ। आप बोलता है, दामाद कहता है, पिताजी ससुर जी पहचान रहे हो, आपकी छोटा दामाद आँख खोल कर देखता है। बोले नाती कहता है, बाबा मेरे को पहचानते हो, देखना चारों तरफ सब घिरे हुए रहते। और वो बूढ़ा भी ऐसे देखते 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 सबको सोच सोच कर जाता है। बताओ अंतिम समय में जिसको याद करेगा तो वही जन्म लेगा ना, वही जन्म लेगा ना वो फिर। लेकिन अगर तुम्हारे परिवार में सबके सब भक्ति कर रहे हैं, गले में कंठी तिलक लगाए, हरिनाम करते हैं, वो अंतिम समय में जब जाएगा, जब देखेगा तिलक लगा करके कंठी हरिनाम कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति मरेगा तो कहाँ जाएगा? सीधा वैकुंठ जाएगा, सीधा वैकुंठ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो जिनकी भक्ति से कोई मतलब नहीं, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, खा रहे पी रहे मर रहे, उनको तो देख देख कर जाएगा तो 84 लाख जन्म में भटक गया। इसलिए भक्तिमान ठाकुर ब्रह्मा जी कहते हैं, अपना घर को वैष्णव परिवार बनाओ, गले में सब तुलसी कंठी धारण करो, तिलक लगाओ, सबके सब भगवान के नाम जप करो, तुम्हारी घर नहीं तुम्हारी घर ही वृंदावन है, तुम्हारे घर ही वृंदावन बन जाएगा, जिस घर में ठाकुर जी की भजन पूजा पाठ जिस घर में हो, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कहते हैं, हे व्यास देव, देखो मैंने इतने बड़े संत कैसे बने, हमारे गांव में कभी संत लोग आए, उनकी मैंने कथा सुनी, ये संतों की संग करते 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 संतों की कथा सुनते सुनते संतों की रंग चढ़ गया है। कहते ना, जैसे संगत में रहोगे, अगर शराब को साथ में पियोगे शराब पियोगे, अगर जुआरी को साथ में बैठोगे जुआ खेलोगे, चोर को साथ में बैठोगे चोर बनोगे, अगर भक्तों को साथ में बैठोगे तो भक्ति बनोगे। इसलिए कहते देखो व्यास देव, मैंने संग संगत में ही रंग बदल जाती है। देखो एक समय एक बहेलिया ने एक घोंसले से दो तोते पकड़े, कितने तोते पकड़े? दो तोते पकड़े। बाय चांस एक तोता तो संतों को बास में गया और एक तोता चला गया डाक को बास में। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, बड़ी जोर से प्यास लग रही थी, वो पहुंच गया डाक को घर को सामने जो तोता है, वहां पर पहुंचा, तोता बोला पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पीटो पीटो, छीनो छीनो, क्योंकि चोर ही कर लेते। अब उनसे सुन सुन कर यही सीखा, बोले भैया ये तोता ही से बोल रहा है। वहां भागे, दूसरे घर में गए, देखा वहां भी एक तोता है, बोले हरे कृष्णा, राम राम, राधे राधे, आपका स्वागत है, आइए बैठिए, ठंडा पानी पीजिए, राधे राधे, राम राम। बोले वाह, ये तोता इतनी मीठी बोली, तोता इतनी मीठी बोली। जब वहां पर गए ना, देखा सचमुच से एक संत निकल करके आए, हैं संत निकल करके आए, देखा ओ ये घर में संत रहते हैं ना, वो संत जो बोलता वही सुनता है, बड़े सुंदर मीठा पानी पिलाए, ठाकुर जी की कथा सुनाए।
ये तोता कहते भैया इसमें हमारी कोई दोष नहीं है, ये दोष संगत का है, जैसे संग करके वैसे रंग बदलेगा, ठीक है ना। इसलिए नारद जी कहते देखो व्यास देव अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करो, विशुद्ध रूप में भगवान और उनके भक्तों की चरित्र सुनाओ, तुमको शांति मिलेगी। फिर उन्होंने कहते भक्ति जोगे न सम्यक प्रणिहितमले अपस्यम पुरुषं पूर्णं माया च तत् अपाश्रय। जब उन्होंने भक्ति योग समाधि को तरह समाधिस्त हो गए, संपूर्ण गोलोक वृंदावन देखा, कैसे राधा कृष्ण खड़े हैं, अष्ट सखियां उनकी सखा सखी कैसे नंद यशोदा, पूरा गोलोक वृंदावन देखे। और इन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की। बोले भैया ग्रंथ तो बड़ा सुंदर बन गया, लेकिन ये ग्रंथ पढ़ाए किसको? क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी जी का जो बेटा था ना, वो जन्म से ही वो वैराग्य बन करके ब्रह्म ज्ञानी बन कर चले गए। इनके चार ही चेले थे। बोले देखो चलो, मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, मेरे तोते को ला सकते हो? बोले गुरु जी जंगल में बहुत सारे तोते, हमें क्या पता आपका तोता कौन सा। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, तुम चारों को मैं चार ही मंत्र सिखा देता हूँ, ये मंत्र सुन कर जो अपने आप आएगा ना समझना मेरे तोता। बोले ऐसे? बोले हाँ। तब उन्होंने जो पहला चला था उसको उन्हें पहला मंत्र सिखाया। वो मंत्र क्या है? राधा रानी वेणु गीत में हमारे कृष्ण देव कितने सुंदर है, ये कृष्ण कितने सुंदर है। राधा रानी स्वयं अपना मुख से वर्णना की, बोले बरहा पीड़म नटवर बभु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास तवनक कपिशयम वैजयंति चमाला रंध्रान भीनुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशस्तात गीत कीर्ति। बोले कृष्ण कितने सुंदर हैं, कैसे सुंदर है? बोले बराह पीडम, देखो कृष्ण के सर पर मोरपंख है। बोले ये मोरपंख क्यों धारण करते हैं? इसके पीछे हमारे टीकाकारों ने बड़ी रहस्य बताया, आज मैं चार रहस्य बताऊंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है कृष्ण क्यों मौर पंख लगाए। पहला नंबर है ये मौर में श्री राधा जी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए सारा दुनिया में वो राधा रानी के नाम को प्रचार करते हैं। दूसरा कारण क्या है? मौर ये ब्रह्मचारी, कृष्ण ब्रह्मचारी को बड़े प्रेम करते हैं, इसलिए अपना सर को पर रखा है। चौथा कारण है, कभी आप लोग गहर बन जाना श्री बरसाना में परिक्रमा में, देखो वहां मयूर फूटी है, किसी समय से राधा रानी ये मयूर ने बनी थी। चौथा कारण बताए क्यों कृष्ण मयूर पंख धारण करता है। अब देखना मयूर कब नृत्य करता है, जब आकाश में काला मेघ छा जाए, शब्द हो रिम झिम बारिश हो ना, तभी मयूर पंख खोलकर नृत्य करता है। एक दिन कृष्ण बंसरी बजा रहे थे, कृष्ण की रंग कैसे एक तो मेघ रंग जैसे है कृष्ण का शरीर, उनके पिताम्बर कैसे जैसे तो बिजली चमक रही है, जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं वो कैसे शब्द हो रहा है। इतने में मौर तो पंख खोल करके थिरक थिरक करके पंख खोल कर नाचना शुरू कर दिए। जब नाचे देखना, जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है ना खुश हो जाते ना, 10 रुपया घुमा घुमा कर दस करते थे। अभी जब मौर नृत्य की खुश हो गया, आज कृष्ण इतने सुंदर मुरली बजाए जिसमें मैं नृत्य की, भैया कृष्ण को तो कुछ देनी चाहिए। बोले मेरे पास कुछ है नहीं, पंख ही है। इसलिए उसने अपना पंख पर झाड़ दिए, एक पंख गिरा तो उन्होंने कृष्ण उठाए और कहां पर रख दिए? अपना सर पर रख दिए। कितना कारण हो गया? चार कारण हो गए। पंचमा कारण बोला है, एक दिन कृष्ण चल रहे थे, देखा मेन रोड के ऊपर एक मोर पंख गिरा हुआ। पंख ने कहा कृष्ण मैं जिनको पीछे लगा हुआ था ना, देखो मेरे को कैसे छोड़ दिया, मेन रोड में पड़ा हुआ, मेरे दुर्दशा को देखो तो सही। कृष्ण बोले चिंता क्यों करते हो, दुनिया में जिसको कोई नहीं पूछने वाला है ना, उसको पूछने वाला मैं हूं। इसलिए कृष्ण उठाए अपना सर पर लगा दिया। इसलिए बोले क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते। कृष्ण कौन है? करुणा सिंधु है, दीन के बंधु है, दया करने वाले कृष्णा, इनसे बड़े दयालु कोई जगत में नहीं। इसलिए कृष्ण किसकी शरण में जानी चाहिए? केवल श्री बांके बिहारी कृष्ण के शरण में। देखो ध्यान देखो, ये बात द्रौपदी
अपना पुत्र बहु उत्तरा को कह रही है। इस चीज को अच्छे तरह सुनो, मन में बैठा हूं, क्यों कृष्ण शरण में जानी चाहिए। द्रौपदी कहती है उत्तरा, अगर जाना चाहिए तो केवल कृष्ण शरण में जाओ। बोले क्यों? बोले ये मेरे आजमाया हुआ चीज ही जीवन का। बोले कैसे? बोले पहले मैं बड़ी डीप जानती थी, पांच पांच पति, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, कांडिवधारी अर्जुन धनु, और कदा युद्ध में भीम से, नकुल सहदेव तलवार युद्ध में, और सिद्ध युधिष्ठिर भाला युद्ध में, इतने मेरी अहंकार थी। दुनिया में मेरे कोई कुछ भी कर सकता, बिगाड़ नहीं सकती है। लेकिन ये भरी सभा में मेरी जब लाज जा रही थी ना, मैं आंख फाड़ फाड़ कर देख रही थी कोई कुछ तो बोलेगा, लेकिन कोई कुछ भी बोले नहीं। और दुशासन मेरे को निर्वस्त्र करने के लिए कोशिश की। फिर मैंने सोचा यहाँ पर हमारे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये भी तो कुछ बोलेंगे, उनको तरक में भी मैं आंख फाड़ फाड़ देख रही थी, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, कोई मेरे को रक्षा नहीं की। लेकिन अंतिम समय में जब देखा मेरे को कोई नहीं रक्षा कर रहे हैं, फिर मैंने दोनों हाथ उठा करके, हे गोविंद राख शरण अब जीवन हारी। जब मैंने वो कृष्ण को हाथ उठा कर बुलाया ना, इतने में उसने अपना दुपट्टा को फेंक दिया और वो दुपट्टा मेरे शरीर में लपट गई। 10,000 हाथी की ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं हुई। दुनिया देख रहे थे साड़ी के बीच नारी, नारी बीच कोई साड़ी है। इसलिए किसकी शरण में जानी चाहिए? बोलो जोर से। देखो यहाँ पर है ना, ये सुखदेव गोस्वामी यही चीज समझा रहे हैं, भैया भक्ति करना तो केवल बांके बिहार की करो और किसको मत किया करो। देखो अभी क्या समझा रहे हैं, अभी इसी एक उदाहरण दिया है। कृष्ण देखने में बड़े सुंदर है, हैं? जिसे गले से लेकर चरण तक माला, सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, कान में कनियरी पुष्प ठाकुर जी की। इसलिए कभी कभी तो राधा रानी कहती है अगले जीवन में और मैं राधा ही नहीं बनूंगी, क्या बनूंगी? बनूंगी तो मैं बंसुरी बन करके। बोले क्यों? बोले देखो कृष्ण गोप में गोपी हूँ, कृष्ण की अधरा मृत में हमारी अधिकता, लेकिन ये बंसुरी तो हमें अंगूठा दिखा दिखा करके हमारे अधिकार में यही छिन रहा है, कभी कमर में, कभी हाथों में, कभी उसकी अधर में। कृष्ण ये बंसुरी को छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए अगले जीवन में मैं और राधा नहीं बन करके आऊंगी। बन करके आऊंगी तो मैं क्या बन करके आऊंगी? मैं सिर्फ बंसुरी बन करके आऊंगी और कृष्ण हर समय हमारे पास में हमें रखा करेंगे, हैं? और देखो बंसुरी को कितने सौभाग्य देते, देखो कृष्ण कैसे बंसुरी बजा रहे, देख लो। उदाहरण दिया है जैसे बंसुरी ऐसे बजाते हैं ना, जैसे कोई राजा महाराजा की सेवा करते, कहते कृष्ण अंगुलों के ऊपर बंसुरी रखे, मानो उनकी जो हाथ नहीं, जैसे कोई राजा महाराजा जैसे दल्लभ गद्दी के ऊपर जैसे सैन्य की होगी बंसुरी, फिर रखे कहां पर? अधर। फिर अधर क्या है? जैसे पिल्लो होता है ना तकिया, मानो ये अधर नहीं है, तकिया है। और जैसे बंसुरी बजाते हैं ऐसे ऐसे अंगुल चलाते हैं, बोले अंगुल नहीं चला रहे हैं, बोले क्या कर रहे हैं? उनकी चरण की सेवा कर रहे हैं। बोले कान में जो कुंडल देखो, कुंडल, ये कुंडल क्या करता है? कुंडल ऐसे ना, जैसे मानो इसको राजा महाराजा के ऊपर में जैसे छत्री धारण करते हैं, और आंखों का जो पलक झपकी पलक नहीं, जैसे उनका हवा करना। बोले देखो कृष्ण बंसुरी की कितने सौभाग्य देते हैं, बंसुरी रहती है ना जैसे आंखों से प्रेम से आंसू बहती है ना, कहते हैं कि आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसलिए देखो कृष्ण की चरण स्पर्श पा करके वृंदावन कितने खुश हो रहे हैं, और जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं सखा लोग क्या बोलते हैं? बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए जब उन्होंने एक
इंदिरा मतलब होता लक्ष्मी, बोले एक लक्ष्मी नहीं
लक्ष्मी सहस्र सतसम ब्रह्म से विमान, हजार हजार लक्ष्मी यहाँ झाड़ू लगाती हैं, लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, जहां पर भूमि चिंतामणि वृक्ष कल्प वृक्ष, अगर बेटी को शादी दोगे ना चकाचक बेटी रहेगी, है खाने पीने का राज रानी जैसे थार वार में रहेगी, दो चीज बढ़िया हो गया। तीसरे प्रश्न किए, बोले भैया ये बताओ इसका परिवार कैसे है, ऐसे नहीं सास ससुर इतने लड़ाकू, ननंद इतने लड़ाकू, बेटी घर छोड़कर भागते नहीं जाएगी, उसकी परिवार कैसे है। तीसरा श्लोक बताए, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, बोले उसको पिता का नाम नंद, नंद मतलब क्या है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद मतलब आनंद है कि सबको आनंद देने वाले, बोले माँ का नाम बोले जसोदा, जसोदा मतलब सबको जो जस देती है, बोले भैया का नाम बोले दाऊ दया, दाऊ दयाल, दाऊ भैया बड़े दयाल है, अगर बेटी दोगे ना परिवार बहुत, देखो बेटा देखने में बढ़िया, परिवार खूब पैसा, पिता माता सास ससुर बढ़िया, लेकिन जो चौथा चीज सबसे महत्वपूर्ण उसका नेचर कैसे, सबसे बढ़िया चीज नेचर, ऐसे नहीं दिन भर पीपा करके पड़ा रहता है, बात बात पर क्रोध आता है, मारना शुरू करता है, पीटना शुरू करता है, भैया बेटा को पास में जितने पैसा हो जितने सुंदर हो, आप फिर बेटी दोगे शादी करने के लिए, बोले भैया तेरे पैसा तेरे पास में रहे, तेरे सुंदरता तेरे पास में रहे, जरूरत नहीं, दिन भर पीपा करके पड़े रहते हो और बात बात पर हाथ उठाते हो, मारते हो पीटते हो, जरूरत नहीं। चौथा चेला ने चौथा श्लोक बोल दिए, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाध्य, बोले कृष्णा इनके जैसे दयालु जगत में कोई नहीं है, बड़ी कृपालु, बोले क्यों, बोले पुतना जब गई थी कृष्ण के पास में पहला नंबर में, पुतना, पुतना मतलब जो अपवित्र पुत्र को मारने वाले, दूसरे नंबर में राक्षसी, तीसरे नंबर में जहर लेकर गई थी, चौथे नंबर में बच्चों को खून पीने वाली थी, इतने बदमाशी, लेकिन हमारे बांके बिहार कृष्णा इतने दयालु, गुना अब गुना प्रभु देखो ना, पुतना ने जो थोड़ी सी नाटक की इतना, बोले भैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में सुला दे, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए, ठाकुर जी इतना सुने तो कहां स्थान दिया, गोलोक वृंदावन में धाई भैया के स्थान दे दिए, लेकिन पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णया परमात्मनि, अगर वो कृष्ण को बांकी बिहारी पर ठाकुर को अगर श्रद्धा पूर्वक थोड़ी भक्ति करे, आप सोच नहीं सकते कृष्ण क्या देने वाले, इतना सुनते ही तो सुखदेव गोस्वामी हाथ उठा करके कम्बा दयालु शरणम ब्रजे मां, अगर शरणागत हो तो केवल श्री कृष्ण के चरण में, मना कर देते और किसी शरण में मत जाओ, बोले क्यों, बोले दूसरी की अगर उपासना करोगे ना थोड़ी सी अगर भूल चुक हो जाए पूजा में लेना को देना पड़ जाएगी, लेना को देना पड़ जाएगी, लेकिन कृष्ण भक्ति में कभी उल्टा होने वाले नहीं, क्यों, वो हमारी माँ है, माँ की गोद में अगर आपकी बात है आपके काम की बात है, कैसे महाभारत तो दो कारण से हुई है, एक ने द्रौपदी ने अपना थोड़ी जीवा चलाई, दुर्योधन को बोल दिया अंधा का बेटा अंधा होता है, देखना गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी सीधा हो जाती है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी बैठे हो, हड्डी किस में नहीं है, वाह केवल जीव में हड्डी नहीं, इसलिए लपत नहीं हुई, देखना घर घर में भाई भाई में बहु बहु में फिर तो लड़ाई लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ाई लड़ाई शुरू हो जाती है, इसलिए कहते भैया ये दो चीजों का हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसलिए जीवा कभी बिना कारण से मत चलाया करो। यहाँ पर परिकृति महाराज की कथा आई, मातृ गर्भ में रहते समय इनको कैसे ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया अस्वस्थमा, लेकिन इन्होंने ठाकुर जी की शरण में चले गए, ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करते हुए अपना गदा की प्रहार से अस्त्र को निस्तेज करके उन्होंने परिकृति महाराज को एक आश्चर्य घटना देखा किया, एक गैया बड़ी दुखी होकर रो रही है और एक बैल का तीन प्यार नहीं, बोले भैया कौन है, बोले ये गैया स्वयं पृथ्वी, बोले क्यों दुखी हो, बोले कृष्ण चले गए, अब ये कलयुग आएगा लोग पाप कर्म करेंगे, इसको मैं सहन कैसे करूंगा, बोले बैल कौन है, बोले ये धर्म है, बोले इसकी तीन प्यार कहां है लिया, बोले इनकी सत्य तृतीय द्वापर तीन युग चली गई, कली अभी केवल कलयुग में दान के ऊपर में ये धर्म खड़ा हुआ, बोले ये कौन था,
जो टांग तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, बोले कली, बोले देखो जब तक मैं रहूंगा तब तक तेरी कोई स्थान नहीं। बोले जाऊंगा, सारा दुनिया में आपका राजत्व है, मेरे को स्थान देना पड़ेगा। उनने बहुत सोचा कलियुग का स्थान दूं कि नहीं दूं। देखा कलियुग में सारे दोष ही दोष है, लेकिन कलियुग में एक गुण है। बोले क्या है? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम गतः परम। कलियुग में थोड़ी सी ठाकुर का नाम कर, ठाकुर जी की केवल ठाकुर जी का नाम कर दो। एक बार हाथ ठाकुर को बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इतने से ही जीव की कल्याण हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कलियुग को स्थान दे दिया, लेकिन उन्होंने चार जगह पर स्थान दिया। उदाहरण दिया, जैसे आपको कोई बीमारी, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर सचमुच अच्छे हैं, आपकी बीमारी को सही करना चाहता है, बताओ सबसे पहले बोलेगा देखो दवा तो बहुत बढ़िया दूंगा, लेकिन ये दवा को अगर दवा जल्दी काम करेगी, अगर बगैर परहेजों के साथ में दवा लोगे, दवा तो लेते रहोगे लेकिन बीमारी सही नहीं होगी। इसलिए कलयुग में दवा किया है, ठाकुर का नाम ही दवा है, एक सबसे बढ़िया दवा। 12 साल तक जंगल में भटके, 1 साल तक अज्ञात वास रहे, मतलब जुआ खेलोगे ना, इस शेयर कंपनी भी एक तरह से है, अगर जुआ खेलोगे तो इतने नीचे तक तुम जा सकते हो। देखो भगवान जो दिया उसमें खुश रहो और उसमें ही अपना जीविका निर्वाह करो, ये मत समझो बात जुआ सट्टा लगा करके रात रात धनी हो जाए, अभी तो जुआ खेल कर कोई धनी हुए ही नहीं, और जैसे पैसा आएगा ना वैसे पैसा कहीं चली जाएगी, ठीक है ना। जहाँ ज्यादा पैसा है ना, आप देखोगे ज्यादा अनर्थ वहीं पर है, ज्यादा वेश्यासंग, ज्यादा जुआ, ज्यादा शराब, ये जहाँ ज्यादा पैसा वहीं पर है। अभी प्रश्न है भैया, पैसा तो राधा रानी, लक्ष्मी मूल लक्ष्मी कौन है? राधा रानी मूल लक्ष्मी, तब ये लक्ष्मी में फिर से ये कली का निवास कैसे हो गया? ये चीज को समझो। आप लोग से एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर देना, आप बताओ लक्ष्मी की वाहन कौन है? कौन बोलेगा हाथ उठा? कौन बोल रहे हैं? उल्लू। हाँ उल्लू है।
आप देखना लक्ष्मी जब आती है ना वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है, अब ये हमें उल्लू बनाता है, मूर्ख बनाता है। लेकिन लक्ष्मी की औरे के बहाने एक उल्लू औरे के बहाने बोल सकते हो, कहते इनकी दूसरा बहाना है कि गरुड़। आप देखना लक्ष्मी को कभी भी गरुड़ के ऊपर अकेली कभी बैठते हुए नहीं देखोगे, वो बैठी कभी नारायण के साथ। जब ये चीज को अच्छे तरह समझो, लक्ष्मी को बुलाओ घर में, क्योंकि देखना लक्ष्मी के बगैर कुछ होती नहीं। पैसा के बगैर कुछ हो सकती है? कुछ भी नहीं होगा पैसा के बगैर। पैसा चाहिए लेकिन लक्ष्मी को अकेले मत बुलाएगा। लक्ष्मी आओ घर, क्यों? बोले तुम्हें भोग करूंगा। लक्ष्मी बोले तुम मेरे को भोग करोगे? मैं नारायण की हूँ, मैं कृष्ण की हूँ, मेरे को तो कृष्ण ही भोग कर सकते हो, मैं अकेले भोग के लिए? फिर तो वो उल्लू के ऊपर बैठ कर फिर हमें उल्लू के पट्टा बनेगा। फिर तो हमारी घर को वो वैकुंठपुरी बना देगी जब ये लक्ष्मी श्री ठाकुर जी की सेवा में लगी। लक्ष्मी को बुलाओ लेकिन ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओ, ठीक है? अब देखो कल है कथा में चौथा दिन है, कल ठाकुर जी जन्म लेने वाले, भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले। जब मैया जसोदा गर्भ धारण की ना, जितने ब्रज की गोपियां थी 6-6 महीना पहले 84-84 गज की लेह का चुंदरी बना कर रखी। इसलिए आप लोग जितने माता है ना कल लेह का चुंदरी बने दिया। और देखो सब सब पीले रंग की साड़ी, कौन सा रंग की साड़ी पहनेगा? पीले रंग के, दूसरे कलर नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा तो उसे उधार करके लेकिन पीले रंग के पहनना। और अच्छे तरह से सज धज करके, कैसे जब शादी विवाह में जाते हो ऐसे अड़ी कपड़ा नहीं पहनना, जो शादी का लहंगा चुनर सब अलमारी में रखा है ना सब निकालना, सब निकाल करके बढ़िया एकदम सज धज करके, जैसे गोपियां भगवान को बधाई देने जाए कहती है। इसलिए आप लोग सब कोपी भाव से ठाकुर को बधाई देना, ठीक है ना? और घर से क्या लाना, खिलौना आपको ही उठाएंगे, आपको ही मिलेगा। इसलिए बच्चे का बर्थडे में क्या हम नहीं करते हैं? असली बच्चे तो कृष्ण है, असली बच्चे तो हमारी कृष्ण है। ये बच्चा कभी धोखा दे सकता लेकिन वो कभी धोखे हमें नहीं देगा, ठीक है? इसलिए कल और हमारे भाई लोग क्या पहन कर धोती बोलता अब उसे तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो कम से कम सफेद रंग के कुर्ता पैजामा पहन करके अच्छे तरह से आना सबके साथ। और कल बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। इसलिए करेंगे, हमारे बीच में छोटा बच्चा है वो भी थोड़ी सी आपकी कथा सुनाए, बाकी देखो उसको बड़े से वृंदावन है बड़े से वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कल हम लोग, मैंने कहा था ना एक एक माता है 10-10 माताओं को लेकर के आना, कौन कौन लाए हो? कम से कम एक दो को लेकर था ना, कौन लाए हो? कल भगवान जन्म ग्रह, कल संडे है ना, देखो कल है ना सबसे बढ़िया दिन। बताओ कल क्या बोला तो? अरे मैं तो भूल गया, देखो मैं तो भूल गया था, इधर सुनो, कल है गीता जयंती। कल भगवान गीता को, भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता की उपदेश कल ही दी थी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? यदि गीता ग्रंथ है, कल श्री गीता की प्रादुर्भाव का दिन कल गीता है, हैं? और कल जो है ना एकादशी, यदि एकादशी अगर कथा के अंदर में एकादशी आ जाए ना तो समझो चार चांद लग गया, क्योंकि भागवत में जैसे कोई सोम मंगल बुध बृहस्पति कोई व्रत रखते हो ना, भागवत में कोई बार व्रत का नाम नहीं, केवल भागवत में एक एकादशी कथा आती है। आप लोग बताओ तो कौन कौन एकादशी करता हो? सही से बोलो, कौन कौन एकादशी करता? हाथ उठाओ, कौन कौन एकादशी व्रत करता हो? कौन कौन करते करके कैसे आप लोग करते हो? और जो जो लोग नहीं करते है ना, देखो कल विशेष एकादशी, कल गीता की प्रादुर्भाव का होगा, इसलिए एकादो मिनट एकादशी कथा सुनो। कल जो एकादशी ध्यान देकर सुनो, ये एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत है। कौन सा व्रत है? कल्पतरु मतलब क्या? जो मांगो वही मिलेगा। अब गीता पढ़ कर मिलेगा ना, कल ही कथा सुनाऊंगे, इसलिए नंद बाबा की संतान नहीं कहा, उन्होंने हर व्रत कर चुके थे नंद जसोदा,
उन्होंने सोचा हमने जीवन में ऐसे कोई व्रत नहीं जो नहीं किया, अभी तक भी घर में कोई लाला की जन्म नहीं हुआ, इसलिए ये जो एकादशी आ रही है पुत्र एकादशी, चलो हम ये पुत्र एकादशी करते हैं। जब एकादशी किया ना कृष्ण जन्म, इसलिए एक एकादशी का नाम पुत्रता, जिसको करने से घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। एक एकादशी का नाम है इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जिसकी घर में लक्ष्मी कम हो वो एकादशी करो, घर में लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम अर्णता, अर्णता मतलब जो एकादशी करने से घर में अर्ण खूब अर्ण आएगी। एक एकादशी का नाम विजया, जिसको करने से तुम्हारी विजय प्राप्ति होगी। एक एकादशी का नाम पाप वजनी, जिसको करने से जीवन का सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। एक एकादशी का नाम मोक्षदा, जिसको करने से जीव ये जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाए। आप स्वयं गीता पढ़कर एकादशी कथा पढ़कर देखना, ऐसे कोई वस्तु नहीं जो एकादशी व्रत करने से आपको नहीं मिलेगी। अभी दुनिया में देखना, जैसे कोई व्यक्ति अंतिम सज्जा में लेटा हुआ, सालों सालों से पड़ा हुआ, उसमें टाटी पेशाब कर रहा है, मृत्यु नहीं हो रहा। आप किसी ब्राह्मण को बुलाओ, बताओ भैया इनकी जल्दी से जल्दी मुक्ति कैसे हो, देखना क्या हो गया। मतलब कोई हो जो एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकता, कोई बार व्रत का नाम नहीं होते, कोई एकादशी का नाम लेगा। देखो मेरी अनुभूति है, मैं यूरोप गया था प्रचार करने के लिए, एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, हड्डी हड्डी रह गया था, प्राण बलांग अटक गई थी, मृत्यु नहीं हो रही थी, इतने पैसा खर्च हो रहा था। इनको पता चला भारत से कोई के साधु आए, हमें बुला करके हॉस्पिटल में ले गए। बोले बाबा ये 2 साल से पड़े हुए, इनकी सदगति नहीं हो रही, बहुत पैसा खर्च कर चुके, गला में प्राण अटक गई, हड्डी हड्डी बिस्तर शरीर में लगा हुआ, अब बताओ इनकी गति कैसे होगी। मैंने कहा एक काम करो, एकादशी व्रत करके फल दो। बोले बाबा अभी दस दिन बाकी है एकादशी, एक एक दिन बड़े कष्ट से बीत रहा है। मैंने बोला सब हाथ में फूल देते हैं, पानी देते हैं, बोले आप लोग संकल्प करो हम सबके सब एकादशी व्रत करके इनको एकादशी व्रत देंगे 10 दिन बाद में। देते ही 2 घंटा बाद में अपने आप से नहीं छूटे, 2 घंटा बाद में। आप देखना एक व्यक्ति सारा जीवन बहुत पाप कर किया, लेकिन एकादशी का दिन शरीर छोड़ता है, हम क्या कहते हैं भैया बड़े अच्छे दिन में शरीर छोड़ा है। इसलिए एकादशी की इतने महिमा जो सोच भी नहीं सकते हो। कल मैं आपको अच्छी अच्छी कथा सुनाऊंगा एकादशी क्या चीज है। एकादशी का दिन अर्ण में गोहत्या, नरहत्या, भ्रूण हत्या, पिता माता हत्या, 5 जो महापाप है, एकादशी का दिन अर्ण को ही आश्रय करके रहता है। जो व्यक्ति एकादशी दिन अर्ण ग्रहण करेगा, ये सारे पाप की अंशीदार उसको भोगना पड़ेगा। कहते हर पाप का निस्तार है, हर शास्त्र में बताया ये पाप किया ये पुण्य कर तुम्हारे पाप निस्तार हो जाएगी, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन करता है उसका कोई भी निस्तार नहीं पाप से, उसको सारे पाप भुगतना ही पड़ेगा, इतने भयंकर पाप एकादशी दिन अन्न में। इसलिए पाप होने पर बीमारी होता है, अब बीमारी होने पर हम क्या लेते हैं मेडिसिन, क्या लेते हैं मेड ईट सीन क्रोसीन टेरामाइसिन सीन 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 मतलब पाप। ये सब क्यों हो रहा है, मतलब पाप से हो रहा है, क्यों एकादशी का दिन अन्न भोजन किया। इसलिए कल आपको मैं अच्छी अच्छी कथा सुनाऊंगा, सबके सब जो भक्त लोग आए हो खुद रखना, कल अर्न नहीं खाना दोपहर तक, कोशिश करना 12 बजे तक, उसको बाद में जैसे कुट्टू का आटा है, फ्रूट सलाद है, दूध दही खाने के लिए तो बहुत सारी चीज, बहुत एकादशी का दिन। हमारे मंदिर में तो संत लोग कहते कब एकादशी आए, क्यों कुछ देर बढ़िया कुट्टू की पकौड़ा बनता है, फ्रूट क्रीम बन जाती है कभी कभी, और उस दिन जो हलवा होता है ना है क्या हलवा है सिंगड़ा आटा के हलवा होता है, मूंगफली और वो और हमारे क्या मखोना, और उस दिन इतने बढ़िया बढ़िया प्रसाद होते ना हमारे मंदिर के संत कहते भैया रोज रोटी सब्जी, अरे एकादशी कब आएगा कम से कम अच्छा बदल जाए, इतने बढ़िया खाने के लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया। इसलिए 12 बजे तक तो खाना नहीं, उसको बाद में ऐसे फलाहार करते करना और दूसरे दिन व्रत खोलते, ठीक है सबके सब एकादशी व्रत रखना। बोले श्री एकादशी महारानी की जय। श्री गुरुभ्यो नमः। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन परशुराम रघुवीर
कृष्ण की रति जग पावन बुद्ध कल की अरु व्यास प्रभु हरि हंस मन वंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धन मंतर बद्री पति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो हरे कृष्णा भक्तवांछ कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन प्रियतम परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्टोत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोग इस श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम लोगों को करने का और सुनने का सत्सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले व्यासासन पर विराजमान परम गुरुदेव के चरणों में अपने गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात परम गुरुदेव पूज्य पाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणाम। उपस्थित पूज्य श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैद्यजन जिनकी आभा और शोभा का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं क्योंकि भागवत जी का श्रवण करने का सत्सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। देखिए आप लोग बड़े हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें हमारा मानव जीवन जो है वो सार्थक हो गया है क्योंकि हमें श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को सुनने का सब सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब संत भगवान जब संत जो है वो हमारे घर में पधारते हैं, हमारे यहाँ आते हैं। आप लोगों का वास्तविक घर ये पूरा का पूरा मंदिर है, ये तो मानते हैं ना। उसमें संत कृपा करके पधारते हैं। संत ठाकुर जी के विशेष प्यारे होते हैं। देखिए कबीरदास जी का नाम सुना है ना आपने, वो एक पद लिखते हैं, मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो अरे बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम सेवा करूं भाग मेरे जागे घर ही में आ गए चारों धाम संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो संत पधारे हैं उनके दर्शनों का लाभ हम सबको प्राप्त हुआ है। देखिए हमारे यहाँ पूज्य श्री रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है पद्यावली और उपदेशामृत, उसका एक श्लोक है, हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति बढ़ रही है? भाई हम लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे कि हमारी भक्ति बढ़े, हमें भक्ति प्राप्त हो, श्री गोविंद श्री राधा गोविंद से प्रेम हो, उनसे प्रीति हो। हम यही तो चाहते हैं सारे कि भगवान से प्रेम हो और भगवान हम लोगों को मिले, तो उसके लिए क्या, उसके लिए भक्ति करनी है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति बढ़ रही है? तो देखिए उपदेशामृत का श्लोक है, छह लक्षणों से पता चलेगा हमें कि हमारी भक्ति बढ़ रही है। कौन से छह लक्षण? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संगत त्यागात सतो वृत्ति षड्विर भक्ति प्रसिद्ध की। ये छह लक्षण है। सबसे पहले कौन सा लक्षण है? उत्साह। उत्साह मतलब ठाकुर जी का दिव्य पर्दा खुला और आप लोग मंदिर के प्रांगण से बाहर खड़े हैं और हमें पता चले कि अब हाँ श्री भगवान के पट खुलेंगे, तो जिस उत्साह के साथ हम लोग मंदिर में प्रवेश करें कि आ भगवान के दर्शन होंगे, प्रभु की दिव्य झांकी का हम लोग अवलोकन विलोकन करेंगे, उसको कहते हैं उत्साह। भागवत जी में जा रहे हैं सुनने के लिए तो उत्साह हो, हाँ भागवत जी में जा रहे हैं, प्रभु की दिव्य माधुर्य सरस और अमृतमय कथा का श्रवण हम लोगों को प्राप्त होगा ये सोच करके उत्साह होना, ये पहला लक्षण है उत्साह। दूसरा
निश्चया, निश्चयात मतलब यह निश्चय कर लिया जावे कि हाँ इसी जन्म को वेस्ट ना, बर्बाद ना करते हुए इसी जन्म में श्री कृष्ण की अमृतमय प्राप्ति, इसी जन्म में हमें भगवान मिले, इसी जन्म में हमारा कल्याण हो, इसी जन्म में ही, इसको कहते हैं निश्चयात। यह निश्चय कर लीजिए कि हाँ हमें माला करनी ही करनी है, हमें भगवान का नाम करना ही करना है, हमें अपने कंठ में कंठी धारण करनी करनी है, मस्तक पर तिलक आपोलित करना ही करना है। ये कंठी साधारण नहीं है, जिसके गले में ये कंठी है ना, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नानं भवनिदितेन न संशयः। स्नान के समय यदि कंठी कंठ में है तुलसी जी की और ऊपर से जल गिरता है और वो जल जब मस्तक को छूता हुआ जब हमारे कंठ पर पहुंचता है और तुलसी जी पड़ी हुई है उसको स्पर्श करके जब पूरे के पूरे हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है, जो वो जल पूरे शरीर में पहुंचता है तो भारतवर्ष की समस्त पवित्र नदियों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ये है तुलसी जी की महिमा। और तिलक की, हमारा जो वैष्णव तिलक है उसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। ऊर्ध्वम नयति यत् पुण्ड्रम प्राणिनम पापकारिणम तस्याख्यम ऊर्ध्वपुण्ड्रेति तस्मात् तद् धारे ध्वजा। आप लोग गले में कितना ही बड़ा महंगा हार पहन लो, कितने ही बड़े हीरे को आपोलित कर लो, कोहिनूर, कोहिनूर हम लोगों ने नहीं देखा है, कोहिनूर देखा है किसी ने? हम लोगों ने तो नहीं देखा है। आप पूरे के पूरे कोहिनूर का कंठ हार बना करके पहन लो, उसको पहनने कर भी, पहन कर भी कल्याण की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कंठ में यदि तुलसी है तो निश्चित हो जाइए कल्याण की पक्का श्री भगवान गारंटी देते ही देते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियां कह रही है रास पंचाध्याय में तुलसी तुलसी जी के लिए, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित वालई कुलई विप्रत दृष्ट केन प्रियच्युता। हे गो, हे तुलसी कल्याणी, कल्याणी कहा है गोपियों ने, क्या आपने गोविंद को देखा है? इसीलिए निश्चय निश्चय कीजिए, उत्साह निश्चय, अब धैर्य, हमें धैर्य रखना चाहिए। लोगों ने चार माला करी और फिर उसके बाद दुख आए, मान लो दुख हमारे प्रारब्ध में दुख है तो वो तो हमें भोगना ही है, वो दुख हमें मिले तो एकदम से मन खराब हो गया, अरे ठाकुर जी की माला कर रहे हैं फिर भी हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं, अरे ठाकुर जी की इतना नाम जप करते हैं फिर भी दुख प्राप्त हो रहे हैं। धैर्य रखें, भजन का फल अवश्य मिलेगा। देखिए चाहे वो कैसा भी कर्म करे उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर ही तस फल चाखा। जैसा जैसा कर्म होगा उसके अनुसार फल की प्राप्ति तो होगी ही, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए। शबरी जी का धैर्य था, शबरी जी तो जानते हैं ना, रोज बेचारी कितने वर्षों तक, पद्म पुराण में वर्णन है 10,000 वर्षों तक शबरी जी ने जो है भगवान श्री राम की बाट देखी थी, उनकी उनके लिए कि कब प्रभु राम आएंगे, कब प्रभु राम आएंगे, कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे राम परम हितकारी, अरे रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, रास्ता देखत शबरी की उम्र गई सारी, कब आएंगे मेरे राम, कब आएंगे मेरे राम। शबरी कर रही रास्ता साफ, राम जी मेरे कब घर आवेंगे, मैं चाख चाख फल लाई कब आवेंगे रघुराई, मेरी बैठ कुटी के बीच राम जी कब भोग लगावेंगे। शबरी कर रही रास्ता साफ, राम जी मेरे घर कब आवेंगे। इसलिए धैर्य रखिए, भजन का फल अवश्य प्राप्त होगा, भगवान अवश्य फल देंगे और भगवान को प्रिय है। उत्साह निश्चय धैर्य। चौथा है तत्त्व कर्म प्रवर्तना, वो कर्म जो ठाकुर जी को प्रिय लगे। ठाकुर जी को प्रिय क्या लगते हैं? अपनी कथा सुनना, भगवान को अपनी कथा सुनना भी बहुत प्रिय लगता है। गोविंद है ना, गोविंद कैसे लिखते हैं, गो वी ठीक है, उसमें या आधा न लगा लो या बिंदी लगा लो और दे, उसके अंदर जो वी शब्द का अर्थ है उसका संस्कृत में अर्थ है वृद्धि लाभे।
श्रवण करना अत्यंत प्रिय लगे उसे श्री गोविंद कहते हैं। वैसे अन्य बहुत अर्थ है, भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का नाम करना, संतों के चरणों में बैठना, ठाकुर जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, ठाकुर प्यारे संतों को जिमाना, प्यारे संतों की सेवा करना, ठाकुर जी के प्रिय संतों की सेवा करना, ये सारे के सारे क्या है? तत्त्व कर्म प्रवर्तना। पांचवा है संग जी का विरोध करे, जो हमें ठाकुर जी से दूर ले जाए उसका परित्याग कर दे, उसका परित्याग कर दे। हमें ये पता लगे कि हाँ इसकी वजह से ठाकुर जी से दूर होना पड़ रहा है, यही हमें विमुखता दिखा रहा है, विमुख बातें कर रहा है, ठाकुर जी से विमुख होने की बात कर रहा है, तो हमें तुरंत दूर हो जाना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजीता ही कोटि मेरी सब यज्ञपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम वैदेही तत्त्व कर्म प्रवर्तनात् असंग त्यागात्। और आखिरी है सतो वृत्ति, अपनी वृत्ति को सत्य रखिए, अपनी वृत्ति को शुद्ध रखिए। शुद्ध कैसे रखेंगे? भगवान का दिव्य प्रसाद आरोगेंगे, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, भगवान का दिव्य प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आपकी वृत्ति शुद्ध होगी। ऐसे नहीं कोई बाजार से कुछ आए तो तुरंत गप करके खा गए, पहले ठाकुर जी को निहारिए। हमारे वृंदावन के संत पता है क्या कहते हैं? किसी ने पूछा उनसे भक्ति कैसे करें, तो उन्होंने कहा बजा करके उठा ले और दिखा करके खा ले। मतलब ठाकुर जी को घंटी बजा करके और जगा दो और बस उनको दिखा करके खा लो। जैसे ही उनकी दृष्टिपात उस भोग पे होवेगा, वो दिव्य अमृत प्रसाद बन जावेगा, और जब वो प्रसाद बन जावेगा तो जैसे ही मुख में उपस्थित होकर के और जीभ के दिव्य स्वाद को लेकर के और जब दांत से उसके दिव्य कणों का स्पर्श होवेगा, कंठ से अवरुद्धता से कंठ के द्वारा वह जब नीचे की ओर आवेगा और हमारे उदर में प्रवेश करेगा, तो मानिए ना मानिए पक्की गारंटी है ठाकुर जी की दिव्य कृपा अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान के प्रसाद से ही प्रसन्नता होगी। ठाकुर जी में, ठाकुर जी के नाम में, ठाकुर जी के प्रसाद में, ठाकुर जी के धाम में, ठाकुर जी के रूप में, ठाकुर जी की लीला में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। इन्हीं सब साथ वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुत्व एव च पतितानां पावनेभ्यो वशिष्ठ। हाँ हरे कृष्ण। और पांच मिनट है, एक माला जप करें, ठीक है? एक माला जप कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर इतने भक्त लोग बैठे हुए, कथा का जो सार है ना ठाकुर का नाम, हम माला लाए, एक एक माला बैठ कर जप करो, माला फिर वापस दे देना। हम कोशिश करके तीन चार दिन माला जप टपरा हो जाएगी ना। पांच मिनट दे दो, माला सब वापस दे देना, क्योंकि पूरी कथा के सारे भगवान का नाम है। पांच मिनट लगेगा एक माला जप करने, उसका हाथ से आधा ले लो, ए बच्ची उसका हाथ से आधा निकाल लो। हाँ हरे कृष्णा। देखो कल गीता जयंती है, यहाँ पर स्वामी महाराज की जो गीता है ना, यहाँ पर ये गीता रखा हुआ है। ये गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, अभी मोदी जी जिस देश में जाता है सबको यही गीता देता है, और महाराज जी गीता को द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने सुधारे हैं, केवल गीता जी से ही। इसलिए कल बहुत अच्छी दिन है, आप लोग जो गीता लेना चाहते हो एक एक गीता को आप ले सकते हो, और गीता को तो बटवा भी सकते हो। कल भगवान की गीता जयंती है, माता जी कुछ बोलना था बोल सकते हो। हाँ हरे कृष्णा।
देखो माला कोई लेना नहीं, माला हमें वापस दे देना, ठीक है? बाद में जो लेना चाहते हो बाद में आपको दूंगा। हाँ इधर इधर मेरे तरफ में देख लो, मेरे तरफ में देख लो, ये जो माला को जो अंगुल को स्पर्श नहीं कराते हैं, क्योंकि ये गंदा अंगुल है, सबसे पहले निकलता है ना, मैं तुमको देख लूंगा बोलते है ना, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर अहंकार का प्रतीक है, ये बाहर निकाल कर रखते हैं, ये बीच वाले अंगुल को भी रखते हैं, इसको रख करके जैसे ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि मोती नहीं एक गोपी है, मानो राधा कृष्ण को बीच में रख करके रास कर रहे हैं। ये माला कोई साधारण नहीं, ये स्वयं जुगल सरकार गोपियों के साथ में प्रभु रास कर रहे हैं। इसको ये बीच वाला अंगुल ऊपर रख करके बच्चों रख करके जैसे एक बार बोला श्री कृष्ण, बोलो चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। सबके सब मेरे साथ में इकट्ठे होकर बोलो, देखो माला तो हम एक करेंगे, लेकिन समझो यहाँ पर 50-60 भक्त बैठे हुए ना, 50-60 भक्त माला करने पर सबका फल आपको मिलेगा, क्योंकि सबके जब जब हरिनाम करेंगे उनकी आवाज सब कान में जाएगी। जब माला तो एक करोगे, लेकिन समझो आज 1,00,000 हरिनाम करने का फल मिलेगा, इसे सबके सब जोर जोर से करना, जो हरिनाम करेगा उसको पाप उठ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं, इसे सबके सब करो मेरे साथ में, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे माला से वापस ले लो आप लोगों ने आज माला की बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं देख रहा था यहाँ पर कुछ हमारी माता मैंने इसी अनुसार पहली बार माला हाथों पकड़ी, उनको माला करने कैसे की जाती है, क्या होता है, ये सब पता ही नहीं था। कल जब माला करेंगे तो विस्तार से महाराज जी से अनुरोध करेंगे, आपको बताएंगे। जब महाराज जी माला के नियम के बारे में बताएं तो आप उनकी तरफ देखा करोगे माला कैसे की जाती है। कुछ तो बस चार बार ही बुरी माला को कर दिया, चार हरिनाम में बुरी माला हुई उनकी, ऐसे नहीं। कल जो है यदि माला होगी तो एक बार पहले नियम से देखना कैसे माला की जाती है। सभी आपके के लिए खड़े हो जाएं। Thank you.
कहाँ गए आरती करने वाले भैया? पहले सजा करके रखी थी, ये सब पीछे से सोचने वाले। जय जय राधा कृष्ण गाते हैं। जय जय राधा रमन हरि ओम, जय जय राधा रमन हरि ओम। जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना, जय जय राधा Thank you.
लेकिन बीच में तुम आता है तो तैसे को तैसे कर ले, ये देख रहे हो नाच नहीं लेते। और एक बार जोर से सब के सब देख रहे हो कौन नाच रहे हो कोई नहीं नाच रहे हो, नाच रहे कि नहीं, हाथ जोर से आप एक बार नी भागवत कथा मृतम की जय, श्री सुखदेव परीक्षित महाराज की जय, कथा सुनने वाले भक्त वृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंद की हरि हरि, सब सब प्रसाद लेकर